नमस्कार, न्यूज 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानस श्रीवास्तव। आज हम बात करने जा रहे हैं समाजवादी पार्टी की लामबंदी की। इंडिया गठबंधन में जब से मनमुटाव शुरू हुआ है उसके बाद से अलग अलग स्तर पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव अपनी रणनीति जो लोकसभा चुनाव को लेकर के जो तैयारियां हैं उसमें जुटे हुए तरीके से कवायद कर रहे हैं। इसी का एक हिस्सा है आज उनके चेन्नई दौरे के बाद इस बात की चर्चाएं तेज होने लगी हैं, खासतौर से तब जबकि आज उनकी एम के स्टालिन से मुलाकात हो रही है। अगले महीने वो तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्षा और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से भी मुलाकात करेंगे। इसके अलावा कुछ और भी क्षेत्रीय दलों के संपर्क में वो लगातार बने हुए हैं। बीते दिन हरियाणा में भी उनकी कुछ छोटे छोटे दलों से मुलाकात हुई। ये माना जा रहा है कि कांग्रेस से बनते बिगड़ते समीकरण के बीच अखिलेश यादव एक दूसरे विकल्प की भी तलाश में है, और वो विकल्प है देश भर में तमाम ऐसे छोटे दल या वो क्षेत्रीय दल जिनका अपने अपने इलाकों में प्रभाव है, अपने अपने राज्यों में प्रभाव है, या किसी स्टेट की किसी पॉकेट में किसी एक क्षेत्र में वो सियासी दल भले ही उनका कद छोटा हो लेकिन वो प्रभावशाली है, तो ऐसे लोगों की गोलबंदी करने की भी कवायद की जा रही है। अगर बात बनती है कांग्रेस से सब कुछ ठीक ठाक रहता है तो वो भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन सकते हैं, लेकिन जिस तरीके के हालात अभी देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो केजरीवाल और कांग्रेस के बीच की लड़ाई हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच की लड़ाई हो, चाहे वो ममता बनर्जी और अधीर रंजन के बीच की लड़ाई हो, चाहे अलग अलग राज्यों में जिस तरीके से खींचतान देखने को मिल रही है और नीतीश कुमार भी कांग्रेस को काफी कुछ कह चुके हैं, तो ऐसे में क्या हालात बनेंगे और लामबंदी कैसे होगी इसको लेकर हमें चर्चा करने जा रहे हैं आज। लेकिन इसमें एक खास पहलू यह भी है कि चेन्नई में मंडल कमीशन के नायक कहे जाने वाले और जिनको ये माना गया कि पिछड़ी जातियों के लिए जो कुछ भी काम किया वीपी सिंह ने, पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने, उसके बाद उनकी छवि पिछड़ी जातियों में किसी हीरो से कम नहीं रही। आज उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया दक्षिण के इलाके में चेन्नई में, और वहां पर अखिलेश यादव की मौजूदगी काफी कुछ कहती है। उस दौरान उन्होंने वहां पर केंद्र की सरकार पर जबरदस्त हमला भी किया, उनके निशाने पर भारतीय जनता पार्टी की, और ये कह दिया कि जो हक मिलना चाहिए था पिछड़ों को वो बीजेपी की सरकार में, चाहे राज्य की हो चाहे केंद्र की हो, वो हक नहीं मिल सका। तो एक तरीके से पीडीए के अपने एजेंडे को, पीडीए के अपने फार्मूले को अखिलेश यादव अलग अलग राज्यों में क्षेत्रीय दलों के सहारे, छोटे संगठनों के सहारे उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस उसका हिस्सा होगी या नहीं होगी इसके लिए हमको 3 दिसंबर तक का इंतजार करना पड़ेगा। 3 दिसंबर यानी वो दिन जिस दिन 5 राज्यों के नतीजे तो आएंगे ही, इंडिया गठबंधन का आने वाला भविष्य कैसा होगा ये भी उस तारीख में काफी हद तक तय हो जाएगा। तो चलिए आज इस चर्चा की हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे चर्चा करेंगे और जानने समझने की कोशिश करेंगे कि अखिलेश यादव की इस कवायद का क्या फायदा और क्या नुकसान होगा, देश और उत्तर प्रदेश की राजनीति पर इसका क्या असर पड़ेगा, और इन सबके बीच कांग्रेस खुद को कहां खड़ा हुआ पाती है, ये सबसे अहम सवाल है, क्योंकि देश में बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस ही वो एकमात्र दल है जो राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी को चुनौती दे सकता है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कृष्ण मोहन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी से फराज किदवई साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। तंजीब अहमद साहब कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। तंजीब साहब आपका भी बहुत स्वागत है। ब्रजेश शुक्ला वरिष्ठ पत्रकार, वो भी इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं, उनका भी स्वागत है। और रोहित अग्रवाल जी जो राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता है, वो भी इस चर्चा में भागीदारी कर रहे हैं। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करते हैं, शुरुआत करते हैं सबसे पहले फराज किदवई साहब के पास चलते हैं। फराज साहब, ये अलग अलग राज्यों में क्षेत्रीय दलों के साथ लामबंदी की ये कोशिश, इसको किस नजरिए से देखा जाए और कांग्रेस की क्या भूमिका, क्योंकि ये जो बातचीत आप कर रहे हैं ये अखिलेश यादव पर्सनल लेवल पे कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन के फोरम पे ये बात नहीं हो रही है, तो क्या माना जाए, क्या कांग्रेस को किनारे लगा करके आप कोई नया मोर्चा खड़ा करने की तैयारी कर रहे हैं? देखिए मानस जी, आज जो हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गए हैं चेन्नई में, वो आप देख रहे होंगे कि मंडल कमीशन रिपोर्ट लागू करने वाले और एक जमाने में मसीहा के तौर पर उभरे सिद्धदेव विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की जो प्रतिमा का अनावरण था उसमें मुख्य अतिथि के रूप में गए हैं। तो इसको किसी तरह से नेगेटिव उसमें मत लीजिए। अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो हैं वो मान लीजिए गए हैं तमिलनाडु,
और वहां पर वीपी सिंह साहब की प्रतिमा का अनावरण में अगर वो मुख्य अतिथि हैं, तो ये सामाजिक लड़ाई की सामाजिक न्याय की जो लड़ाई है, जो दूसरी लड़ाई है, उसका आप ये कह सकते हैं कि श्री गणेश है। क्योंकि आप देखिए मानस जी, की समाजवादी पार्टी का जो जन्म है वो सामाजिक न्याय की लड़ाई के बदौलत हुआ है। सिद्धे नेताजी ने सामाजिक लड़ाई को लड़ते हुए समाजवादी पार्टी बनाई, और हमेशा उन्होंने पिछड़ों की, दलितों की, अल्पसंख्यकों की, और जो लोग सामाजिक रूप से कमजोर थे। देखिए सामाजिक न्याय की लड़ाई में मैं ये नहीं मानता हूं कि खाली किसी कास्ट के ही, एक पर्टिकुलर कास्ट के लोग आते हैं, जो भी इकोनॉमिकल तौर पर पिछड़े हुए हैं वो भी इसमें आते हैं। मेरा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ए फॉर अगले भी बताया था उन्होंने कि जो पिछड़े हुए हैं, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारे हमेशा जो है वो वकालत की जातीय जनगणना की, आप देखिए कि मुझे लगता है कि 2019 के बाद से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जातीय जनगणना की वकालत शुरू कर दी थी, क्योंकि उनको अंदाजा हो गया था कि जो ओबीसी है आज की तारीख में, उसकी जो पॉपुलेशन है उसके हिसाब से उसका हक नहीं मिल पा रहा है। और पॉपुलेशन के अलावा भी और जो नेशनल रिसोर्सेज हैं आज की तारीख में, जो देश में रिसोर्सेज हैं, उसमें भी उनको हक नहीं मिल पा रहा। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, सॉरी ये मैं फोन बंद कर देता हूं। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो है वो हमारे पिछड़ों की मानस जी लड़ाई लड़ रहे हैं। और आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से कास्ट सेंसस की हमेशा मुखालफत की। हालांकि राजनाथ सिंह जो एक टाइम पे जब डिफेंस, जब होम मिनिस्टर थे, तो 31 अगस्त 2018 को उन्होंने बोला था कि कास्ट सेंसस का आश्वासन दिया था, लेकिन इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट लगा करके कास्ट सेंसस का विरोध किया। और आज भी भारतीय जनता पार्टी के भी कोई प्रवक्ता नहीं, अगर आप उनसे पूछिए कि आप कास्ट सेंसस कराना चाहते हैं तो वो ठीक तरह से जवाब नहीं दे पाएंगे। तो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमेशा पीडीए के साथ साथ एक इंक्लूसिव राजनीति की है। अब मानस जी होता क्या है कि आप देखिए कि बहुत सारे, मैं तो अक्सर जो है वो आपकी डिबेट में या कोई भी डिबेट है तो मैं आंकड़ों के साथ बैठता हूं और बातें करता हूं। तो देखिए आप अगर आप देखिए कि डिफरेंट सेगमेंट, फॉर एग्जांपल अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज मानस जी ले लिए, तो जो देश की 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उसमें अगर आप टीचिंग स्टाफ की बात करिए, तो जो पद एडवर्टाइज हो चुके हैं लेकिन भरे नहीं गए हैं, उसमें क्या है कि जनरल कैटेगरी के जो अगर टीचिंग स्टाफ की आप बात करेंगे तो करीब 68% पद भरे हुए हैं, लेकिन ओबीसी के मात्र 14% भरे हैं। क्यों? नॉन टीचिंग स्टाफ में अगर आप जनरल कैटेगरी की बात करिए तो 73% 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जहां पर उनके 16,132 नॉन टीचिंग स्टाफ में पद हैं, जिसमें 73% भरे हुए हैं, ओबीसी के मात्र 10.6% भरे हुए हैं। मानस जी क्यों? प्रोफेसर्स की अगर आप बात करिए तो उसमें ओबीसी के जो प्रोफेसर्स हैं उसमें मात्र 2.9% की ही भर्ती है, बाकी सारे पद खाली पड़े हैं। आप हाईकोर्ट के जजेस का अगर ले लिए तो जनरल कैटेगरी के करीब 80% हैं और ओबीसी के जो हैं वो मात्र 10.6% हैं। माइनॉरिटी और बाकी सब तो आप छोड़ ही दीजिए, सरकार में आप क्या उम्मीद करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आज की तारीख में ओबीसी समाज जो मानस जी हाशिए पर है उसकी वकालत करना जरूरी है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी गए हैं, पहली बात। और दूसरी बात, अगर और इंडिया गठबंधन में वो छोटे दल या बड़े दल भी आप कह लीजिए कि अगर उनको लाने में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एक इंस्ट्रूमेंटल साबित हो सकते हैं, उसमें एज अ कैटलिस्ट काम कर सकते हैं, तो इसका सबको स्वागत करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि मैं आपको आश्वासन मानस जी पहले भी देता था, आज भी दे रहा हूं कि इंडिया गठबंधन रहेगा। थोड़ी बहुत देखिए क्या है कि डिफरेंसेस हुए, मतभेद हुए, लेकिन मन भेद नहीं हुए। लड़ाई बड़ी है मानस जी, 2024 की लड़ाई जीतना जरूरी है। वो इसलिए जरूरी है कि जब से 2014 से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, आप देखिए कि किसान भी परेशान है, मजदूर भी परेशान है, आप देखिए कि नौजवान भी परेशान है, महिलाओं के साथ कितना उत्पीड़न हो रहा है। उत्तर प्रदेश की अगर आप खासकर बात करिए तो BHU जैसे इंस्टीट्यूट जो है वो सेफ नहीं है। तो ये जो सामाजिक न्याय की लड़ाई है मानस जी, इसको समाजवादी पार्टी बहुत मजबूती से लड़ रही है और आगे भी बढ़ाएगी, जिसके लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चेन्नई गए हैं और काम कर रहे हैं। तमजीद साहब के पास चलते, तमजीद अहमद साहब, ये जो एक नई चर्चा शुरू हुई है, या यूं कहें कि एक नई शुरुआत समाजवादी पार्टी की तरफ से की गई है कि वो अलग अलग राज्यों में एक नई लामबंदी की कोशिश में जुट गए हैं, क्या कांग्रेस इसको अपने लिए कोई खतरा मानती है या इंडिया गठबंधन से इतर जो प्रयास किए जा रहे हैं, क्या अभी भी आपको लगता है कि इंडिया गठबंधन में आपके बगैर कोई एक नया फ्रंट खड़ा हो सकता है? देखिये माना जी नमस्कार, और सबको नमस्कार मेरा। अभी फराज जी ने अभी बताया है कि उनका वो पर्सनल कार्यक्रम है, कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं है।
जो पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं है, पर्सनल कार्यक्रम में कोई कहीं भी जा रहा है तो उसको बहुत राजनीतिक मायने से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि फराज भाई जो कि उनका ऑफिशियल प्रवक्ता है उन्होंने इस चीज को स्पष्ट कर दिया। तो अब इस पर राजनीति की कोई गुंजाइश नहीं है। आपने बिल्कुल सही कहा, 3 दिसंबर के नतीजे का सब इंतजार कर रहे हैं, हम भी इंतजार कर रहे हैं, सारे इंडिया के घटक दल भी इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि एक नई ऊर्जा मिलने वाली है। आपको भी अब तक सूचना मिल गई होगी अपने ग्राउंड रिपोर्टर्स को कि 5 राज्यों में हम चुनाव जीत रहे हैं, तेलंगाना अंतिम चरण में है और तेलंगाना में भी हम जीत के वहां से आएंगे। तो एक अलग तरह का समीकरण, एक अलग तरह की सोच 3 दिसंबर के बाद जो है पूरी तरीके से इंडिया घटक दल को एक नई ऊर्जा मिलेगी। और जो भी थोड़ी बहुत इधर उधर की जो बयानबाजी चल रही थी या इलेक्शन की वजह से जो भी थे, वो सब अपने आप खत्म हो जाएंगे। जीत बहुत चीजें खुशियां लेके आती है, तो आप ये मान के चलिए माना जी कि 3 दिसंबर के बाद चीजें सब सेटल हो जाएंगी, फिर सब 2024 के चुनाव में लग जाएंगे। और 2024 के चुनाव में आपको ही पता है कि 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आने के बाद जब 2024 के चुनाव में जाएंगे तो भाजपा उसी तरीके से क्लीन स्वीप होगी जिस तरीके से उनका क्लीन स्वीप मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, तेलंगाना में तो खैर उनका कोई स्टेक भी नहीं है, और छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से वो साफ होने जा रहे हैं उसी तरीके से 2024 में साफ हो जाएंगे। हम लोग की नजर कहीं इधर उधर नहीं है, अर्जुन की तरह सीधे मछली की आंख पे नजर है। 2024 में नरेंद्र मोदी जी का मुझे बिस्तर बांध देना है देश से। चलिए ब्रजेश शुक्ला जी हमारे पास जुड़ चुके हैं। ब्रजेश जी, जो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की तरफ से जो कवायद हो रही है, आज पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह की प्रतिमा के अनावरण के मौके पर स्टालिन के साथ मंच तो साझा किया ही, भविष्य की राजनीतिक हालातों पर भी उनके साथ चर्चा हो रही है। अगले महीने वो ममता बनर्जी से भी मुलाकात करेंगे, तो अलग अलग राज्यों के जो क्षेत्रीय दल हैं, जो गैर भाजपाई हैं, उनके प्रमुखों से मुलाकात का उनका एक लंबा कार्यक्रम होना है। इसको आप एक पत्रकार के तौर पर किस नजरिए से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि 3 दिसंबर के बाद अगर मान लीजिए कुछ ऐसे परिणाम आते हैं जहां पर कांग्रेस बहुत मजबूत नजर आती, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस की दावेदारी सीट को लेकर के ज्यादा हो जाएगी क्षेत्रीय दलों पर, तो क्या कोई एक अलग तरीके का मोर्चा, कोई अलग एक कोई फ्रंट खड़ा करने की तैयारी कर रहे हैं अखिलेश यादव अपने पीछे के फार्मूले को आगे बढ़ाते हुए, या आपको लगता है कि ये जो प्रयास अखिलेश की तरफ से किए जा रहे हैं आने वाले वक्त में अगर पड़ा कांग्रेस का भारी रहता है तो ये सब लोग उसमें समाहित हो जाएंगे? क्योंकि जो वर्तमान हालात है उसमें जिस तरीके का मनमुटाव आप देख रहे हैं, चाहे वो पंजाब में आम आदमी पार्टी का कांग्रेस पर निशाना हो, चाहे वो ममता बनर्जी का हो पश्चिम बंगाल से, चाहे नीतीश कुमार का बिहार से, अलग अलग राज्यों में आप देख रहे हैं कि कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खुला हुआ और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सभी को पता है, तो इस जो ये जो पूरा घटनाक्रम सियासी हो रहा है इसको आप किस नजर से देखते हैं ब्रजेश जी? हाँ देखिए मान जी, ये एक अलग तरह की खेमीबंदी आज से नहीं चल रही, लगातार चल रही है। और ये जो प्रयास नीतीश कुमार ने किया था उसके बाद इंडिया गठबंधन का स्वरूप सामने आया, तो उस पर कोई सवाल नहीं खड़े कर सकता। वो उन्होंने बाकायदे कई बैठकें हुई इसके बाद वो आए, लेकिन एक कोशिश मैं लगातार देख रहा हूँ, वो कोशिश ये है कि साहब सारे अन्य दल जो हैं, कुछ जो क्षेत्रीय दल हैं, वो अलग तरह की एक खिचड़ी पका रहे हैं। उसके केंद्र में ममता बनर्जी भी रही हैं, उसके केंद्र में बनने की कोशिश करते रहे हैं केसीआर तेलंगाना के मुख्यमंत्री, तो और बाकायदे आम आदमी पार्टी, तो ये लोग भी प्रयास करते रहे हैं कि एक इनकी बैठकें भी होती रही हैं। और अब जो स्थिति बन रही है, मेरे लिए ताजुब अखिलेश का जाना इतना आश्चर्य नहीं लग रहा है, मेरे लिए आश्चर्य इस बात का लग रहा है कि जो स्टालिन हैं वो इस कार्यक्रम का आयोजक हैं, उन्होंने बीपी सिंह की प्रतिमा लगाई है। और मुझे नहीं लगता है कि बहुत ये छोटी मोटी घटना, ये बड़ी बात है, राजनीति में काफी बदलाव की बात है। और वो बीपी सिंह जो कांग्रेस को कभी नहीं सुहाए, विशेष रूप से जब उन्होंने बोफोर्स का मुद्दा उठाया था उसके बाद से फिर कांग्रेस उनको लगातार निशाने भी लेती रही, और आज भी वो कांग्रेस के प्रिय नहीं है, कांग्रेस के नजदीक नहीं है। तो ये जो है, ये जो आप देख रहे हैं, बैठकें देख रहे हैं, जो प्रयास देख रहे हैं, अलग अलग कार्यक्रम देख रहे हैं, वो चुनाव के बाद की हैं। और चुनाव के बाद जो हैं, ये इस बात की कोशिश जरूर होगी कि यदि गठबंधन जीतता है
तो कौन होगा? कारण क्या है कि कांग्रेस भी कह चुकी है कि वो प्रधानमंत्री पद के कोई दावेदारी नहीं कर रहे हैं, अन्य दल भी, तो ये खुला मैदान है। अब खुले मैदान में कोई आदमी पिछड़ना नहीं चाहता, और पिछले दिनों आपने देखा होगा कि नीतीश तो का नाम तो लगातार बिहार में लिया जा रहा है, इसके बाद यहाँ पर अखिलेश यादव भी बड़ी मजबूती से उनका नाम सामने आया है, और आप वो जरा भी हिचक नहीं कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग कि वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं, यदि सफलता मिलती है तो कौन नहीं बनना चाहेगा। और आप देखिए जो वहां पर हुआ है, ये सैफाई में जो जब उनको नेताजी का कार्यक्रम था अभी, तो रामगोपाल का जो भाषण था उसको आप गहराई से अध्ययन करें कि कैसे शरद पवार और लालू यादव को आगे किया गया और मुलायम सिंह जी को प्रधानमंत्री बनने से रोक दिया गया, ये हमला। और ये कोई आज की घटना नहीं है, ये चलती है 1990, आप याद कीजिए जब कांग्रेस ने समर्थन दिया था, और कांग्रेस ने जब समर्थन दिया था तब बाकायदे सदन में मैं था उस समय, और नारायण दत्त तिवारी काफी अच्छा बोले थे, उन्होंने कहा था कि साहब हम समर्थन क्यों देते तो नहीं है, लेकिन हम आपको दे रहे हैं समर्थन क्योंकि धर्मनिरपेक्षता के लिए। उसके बाद रात के अंधेरे में जब उनको मुलायम सिंह जी को लगा कि साहब ये विधानसभा भंग करा देंगे, तो दिल्ली गए थे, दिल्ली में राजीव गांधी से मिले थे, फिर रात को 2:30 बजे आए, राजभवन फोन कर दिया था, सूचित कर दिया कि आकर के भेंट करने के बाद ही हम कहीं जाएंगे, सीधे राजभवन आ रहे हैं। वहां गए विधानसभा, जब तक नारायण दत्त तिवारी सो के उठते तब तक विधानसभा भंग हो चुकी थी। उसके बाद जब शरद यादव और लालू यादव अड़ गए तो फिर वो प्रधानमंत्री तो नहीं बन पाए, लेकिन उसके तुरंत बाद उन्होंने उसका बदला भी लिया विदेशी मूल का मुद्दा उठा करके। तो ये लड़ाई आज की नहीं है, ये लगातार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच हमेशा चलती रही है। अब आगे इस समय गठबंधन है, जब तक गठबंधन है तब तक आप सवाल नहीं उठा सकते, लेकिन ये निश्चित रूप से है कि हम इसको नहीं जुटा सकते कि एक खेमेबंदी है, एक प्रयास है, और राजनीति में सभी प्रयास करते हैं। यदि अखिलेश यादव प्रयास कर रहे हैं, स्टालिन प्रयास कर रहे हैं, तो इसमें आश्चर्य किस बात का। देखिए रोहित अग्रवाल जी, जो ब्रजेश जी ने जो कुछ भी बताया वो दरअसल इतिहास में दर्ज है और हम सब लोग उसके गवाह रहे हैं। तो एक बात ये तो समझनी पड़ेगी, और खुद नेताजी भी अगर आपको याद होगा तो इस बात के पक्षधर बिल्कुल भी नहीं थे कि कांग्रेस के साथ उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में गठबंधन किया जाए, लेकिन अखिलेश यादव ने उनकी बात नहीं मानी और कांग्रेस के साथ गठबंधन उन्होंने किया। लेकिन मौजूदा समय में जो हालात बन रहे हैं, आपको लगता है कि एक तरीके से अखिलेश यादव ऐसे दलों की खेमेबंदी में जुट गए हैं जिसके जरिए वो कांग्रेस को डोमिनेट कर सकते हैं, और कांग्रेस को अगर इंडिया गठबंधन में रहना है तो कांग्रेस उनकी शर्तों पर आए? रोहित जी देखिए, कौन किसकी शर्तों पे आएगा वो तो अलग बात है, और गठबंधन के अंदर कोई शर्तें ज्यादा रहती नहीं है। जब गठबंधन होता है, एक रिश्ता होता है, तो रिश्ते निभाना पड़ता है। पर समस्या ये है कि भारतीय जनता पार्टी को पता नहीं क्या समस्या हो रही है। अगर वीपी सिंह जी की मूर्ति लग रही है तो ये वही लोग हैं ना जो पटेल जी की मूर्ति लगा के, जो कि इनके नेता भी नहीं है, वो कांग्रेस के नेता हैं, और उसके बाद ढोल पीट रहे थे कि पटेल जी की 3,000 करोड़ रुपए की मूर्ति लगाई। आज वीपी सिंह जी की मूर्ति लग रही है तो नेता की, जो कि बात करना चाह रहा है गरीबों की, जिसने मंडल कमीशन को लागू करवाया, अगर हम उसकी बात कर रहे हैं तो क्या वो अपराध है? ये मुझे भाजपा वाले से ये समझना चाहता हूं मैं कि उनको समस्या क्या है वीपी सिंह जी की मूर्ति से। भाई ये वही लोग हैं जो मूर्ति की राजनीति ही करते थे खाली, जिन्होंने 2019 से पहले से मूर्ति की राजनीति करके 2019 का चुनाव जीतने का काम किया है। चलिए रोहित अग्रवाल जी से संपर्क टूट गया है, लेकिन एक बार फिर से चलते हैं फराज किदवई साहब के साथ। फराज साहब, 89-90 का वो दौर भी याद होगा जब उत्तर प्रदेश में कम्युनिस्ट पार्टियों का कुछ दबदबा हुआ करता था, कुछ सीटें वो लोग भी जीत करके आया करते थे, लेकिन जब से वो गठबंधन की राजनीति में गए उत्तर प्रदेश से पूरी तरीके से वो साफ हो गए।
आपको लगता नहीं कि जिस तरीके के नए नए प्रयोग आप कर रहे हैं या समाजवादी पार्टी कर रही है, आने वाले वक्त में मानन जी मेरी आवाज आ रही है? मैं मेरा कनेक्शन कट गया था शायद। हाँ आप कंप्लीट कर दीजिए। देखिए मुझे लगता है बेहतर आएगी। तो ये भारतीय जनता पार्टी वाले वही है ना जो उधार के नेताओं की मूर्ति बना के 3,000 करोड़ रुपए की और अपनी पीठ थपथपा रहे थे। तो अब ये मूर्ति की राजनीति करने वालों को आज दिक्कत होने लग गई वीपी सिंह जी की मूर्ति से। इनका उद्देश्य ये नहीं है कि अखिलेश यादव जी वहां पे गए हैं, इनका उद्देश्य ये है कि पिछड़े गरीब की बात क्यों हो रही है, इनका उद्देश्य ये है कि दलितों की दोबारा बात ना होने लग जाए, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं सिर्फ शोषण करना है, उनका वोट चाहिए और उनका वोट ये 5 किलो राशन पे खरीदना चाहते हैं। परंतु अगर कोई दलित मसीहा है, कोई पिछड़ा मसीहा है, उसकी मूर्ति लग रही है तो इनको समस्या है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत दुखद है कि आज भारतीय जनता पार्टी को वीपी सिंह जी से दिक्कत होने लगी और भारतीय जनता पार्टी को हर उस व्यक्ति से दिक्कत होगी जो भी पिछड़ों की बात करेगा, जो भी दलित की बात करेगा। और गठबंधन की चिंता करनी तो अपनी करें, वो ओम प्रकाश राजभर जी को कब मंत्री अंतरी कब बनाने बताएं भाई। वो भाजपा वाले तो आते ही नहीं डिबेट में, समस्या तो ये सवाल मैं किससे पूछूं भाई, अब वो आते ही नहीं। खैर वो जवाब अगर चाहें तो डिबेट के बाद दे दें कि भाई ओम प्रकाश राजभर जी को कब मंत्री बनाएंगे, मिनिस्टर इन वेटिंग क्यों रखा है भाई? पिछड़े समाज से आते हैं इसीलिए उनको मिनिस्टर इन वेटिंग रखा है क्या? आप उनका निरंतर आप उनका दोहन करने की कोशिश कर रहे हैं, निरंतर उनके वोट बैंक को आप कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, पर आप उनको मिनिस्टर नहीं बनाना चाहते हैं। ये बहुत दुखद है, अत्यंत दुखद है कि आप पिछड़ों का अपमान निरंतर कर रहे हैं, दलितों का अपमान निरंतर कर रहे हैं। एक मिनिस्टर हुआ करते थे इनके यहाँ जिनको स्टूल मिनिस्टर बना दिया इन्होंने, क्योंकि पिछड़ा समाज से आते थे वो। अभी भी देखा जाता है कि वो कई बड़े कार्यक्रमों में दिखाई नहीं पड़ते हैं, उनको इन्विटेशन ही नहीं भेजा जाता है बड़े कार्यक्रमों में। तो भाई ये डिसाइड कर लें कि इनको करना क्या है, ये इनको इतनी नफरत क्यों है पिछड़े और दलितों से, ये बात तो भारतीय जनता पार्टी को बतानी चाहिए। और जब भी पिछड़ों की बात होगी, दलित की बात होगी, ये गायब हो जाएंगे डिबेट से। ये आप हमेशा देख लीजिएगा कि जब भी आप गरीब पिछड़ों की बात करेंगे, ये डिबेट से गायब हो जाएंगे। चलिए फराज सिद्दीकी साहब, जो सवाल मैं आपसे पूछ रहा था कि जिस तरीके के नए नए प्रयोग अखिलेश यादव कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी कर रही है, उत्तर प्रदेश की सियासत से कुछ ऐसे ही प्रयोग एक जमाने में 89-90 के दौर में कम्युनिस्ट पार्टी ने भी किए थे, और जब से गठबंधन की राजनीति में हुआ है उसके बाद जो उनका यहाँ पर बचा खुचा जनाधार था वो भी खत्म हो गया। आप देख रहे हैं कि गठबंधन की राजनीति करते करते लगातार आप घटते जा रहे हैं। आपने एक प्रयोग किया, आपने 2017 में आपकी क्या स्थिति रही, उसके बाद आपने बहन जी के साथ भी हाथ मिला के देख लिया, आप वहीं के वहीं खड़े रह गए। ये लगातार जो नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं, क्या बेहतर नहीं होता कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश पे फोकस करके अपने दम पे अकेले चुनाव मैदान में उतरती? इतनी कंट्रोवर्सी पहले ही हो चुकी है गठबंधन से पहले ही, बाद में क्या स्थिति बनेगी? बीजेपी के पास तो एक हथियार है आपके मन मुटाव को लेकर के। माना जी देखिए, मैं आपका जवाब बिल्कुल दूंगा। अच्छी बात यह है कि आपकी डिबेट में कुछ 2-3 मिनट मिल जाते हैं। रोहित भाई चले गए, वरना मैं उनकी एक बात को मैं आगे और बढ़ाता। और क्या है कि देखिए, आज की तारीख में जैसे रोहित भाई बोल रहे थे, रोहित अग्रवाल जी, के भारतीय जनता पार्टी जो है ना, अगर कहीं दलित की बात आ जाती है तो इनको बड़ी प्रॉब्लम लगने लगती है, ओबीसी की बात आ जाती है। आप देखिए कि जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम उत्तर प्रदेश में हो रही है, एक ही परसेप्शन बनाया जाता है मानस जी कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है, उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है। ऐसा कुछ नहीं, उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर आज की तारीख में बहुत ज्यादा खराब हो गया है। अगर आप इवन देखिए, खाली पिछले 4-5 दिनों के लॉ एंड ऑर्डर एक अलग विषय है, गठबंधन की राजनीति एक अलग विषय है। गठबंधन की राजनीति आपको सूट नहीं कर रही है फराज के दवाई साहब, फिर भी आप एक के बाद एक नए प्रयोग किए चले जा रहे हैं, तो आखिर मजबूरी क्या है? मजबूरी देश है, देश की जनता है मानस जी। 2024 में की लड़ाई बड़ी है, किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी को हटाना है, वरना यहाँ पर इलेक्शन हो इसका भी एक बहुत ज्यादा एक खतरा है कि हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी आगे संविधान में चेंज करके कहीं इलेक्शन ही ना खत्म कर दे। तो मेन समाजवादी पार्टी का आपने बिल्कुल यू करेक्टली पॉइंटेड आउट मानस जी कि समाजवादी पार्टी ने जो गठबंधन धर्म हमेशा निभाया है वो एक बड़े दिल से निभाया है, भले हमारा थोड़ा बहुत नुकसान हो गया हो, लेकिन देश के लिए, प्रदेश के लिए समाजवादी पार्टी ने हमेशा बड़ा दिल दिखाया। आप सही बोल रहे हैं कि 2019 में हमने बीएसपी के साथ इलेक्शन लड़ा और हमने आधी से ज्यादा उनको सीटें लोकसभा में दे दी। कांग्रेस के साथ 2017 में हमने लड़ा, 110 से ज्यादा हमने कांग्रेस को सीटें दे दी, और आगे बढ़ के बड़ा दिल दिखा करके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने टिकट दिए और गठबंधन किया। तो 2024 में जो हम लोग गठबंधन कर रहे हैं, ये समाजवादी पार्टी की पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, समाजवादी पार्टी का पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन है, और समाजवादी पार्टी की पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है
कि भारतीय जनता पार्टी का जो शासन चल रहा है 2014 से खासकर भारत में, उसको हटाना है। क्योंकि आप देखिए कि 2014 से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है मानस जी, तब से ना तो देश का के किसान खुश हैं, ना देश की महिलाएं खुश हैं, महिलाओं के खिलाफ जो है वो अपराध बढ़ते ही जा रहे हैं, ना देश का मजदूर खुश है, ना देश का नौजवान खुश है, कोई भी एक ऐसा सेगमेंट बता, ना पत्रकार बंधु हमारे जो अच्छी पत्रकारिता कर रहे हैं वो खुश हैं, एडिटर गिल्ड जाता है मणिपुर में तो उनके ऊपर केसेस डाल दिए जाते हैं। तो गठबंधन हम लोग इसीलिए बना रहे हैं मानस जी कि भारतीय जनता पार्टी की जो जन विरोधी सरकार है इसको 2024 में हराना है। उसके लिए अगर हमें बड़ा दिल दिखाना पड़ा समाजवादी पार्टी को, तो हमने पहले भी दिखाया है और आगे भी दिखाएंगे, मगर एक मजबूत गठबंधन के साथ 2024 में हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की विदाई करने जा रहे हैं, ये तय है मानस जी। चलिए ब्रजेश शुक्ला जी, एक बार आपके पास फिर से आ जाते हैं। ब्रजेश जी, उत्तर प्रदेश की सियासत में खासतौर से हम लोगों ने देखा है कि जरूरी नहीं कि हर बार गठबंधन कामयाब हुआ। आपको याद होगा तो 1996 में कांग्रेस ने बसपा के साथ गठबंधन किया था और उस वक्त कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने इस पर आपत्ति की थी, बावजूद इसके बसपा से गठबंधन के बाद कांग्रेस का ग्राफ उत्तर प्रदेश में खत्म होता चला गया। आपने देखा कि 2017 में समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस का गठबंधन हुआ, उसका खामियाजा समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ा। सपा और बसपा ने भी गठबंधन करके देख लिया, उसका भी खामियाजा समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ा। तो बीजेपी के खिलाफ ये जो गठबंधन की होड़ मची हुई है, तो क्या आपको लगता है कि हर बार गठबंधन का फायदा ही होगा, या आपको लगता है कि पुराने इतिहास से सबक लेना चाहिए और जो पार्टी मजबूत, अगर वो खुद लीड लेकर के खुद आगे अकेले मैदान में उतरे तो ज्यादा बेहतर तरीके से नतीजे लाए जा सकते हैं, खासतौर से समाजवादी पार्टी की अगर परिप्रेक्ष्य में हम बात करें। ब्रजेश जी जरा अनम्यूट कर लीजिए डिवाइस अपनी। तो जो समाजवादी पार्टी ने जो 2017 में गठबंधन किया था तब भी सवाल उठे थे, लेकिन अखिलेश यादव ने बड़ी दरियादिली दिखाते हुए उनको काफी सीटें दी थी और तमाम सवाल उठे थे। खुद मुलायम सिंह जी ने सवाल उठाए थे कि साहब ये नहीं जीत पाएंगे, इनके बाद मजबूत प्रत्याशी नहीं है, लेकिन उन्होंने दिया और दोनों लोग लड़े भी अच्छे ढंग से। मुझे याद है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव, इन्होंने मजबूती से ये प्रयास किया कि चुनाव बेहतर ढंग से चले, चुनाव अच्छा लड़ा जाए। लेकिन हुआ क्या था कि पहले गठबंधन नहीं हुआ था और दीवालों में कांग्रेस का नारा चस्पा था कि साहब 30 साल, जो उत्तर प्रदेश के 30 साल हिसाब मांगने का, उसमें कांग्रेस ने हिसाब मांगा था और वो मिटे भी नहीं थे कि गठबंधन हो गया। फिर कोई जवाब नहीं था, न कांग्रेस के पास था ना समाजवादी पार्टी के पास था, लेकिन सीटें काफी थी और बहुत ही बेहतर ढंग से चुनाव लड़ा था। 2019 का जो गठबंधन था वो ऐतिहासिक था सामाजिक दृष्टि से। मैंने इतना मजबूत गठबंधन जो भारत में कोई दूसरा हो ही नहीं सकता जो गठबंधन था। लेकिन अब उस गठबंधन में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो गठबंधन भी पूरी तरह, में जब मैं चुनावी दौरे पर निकला था तो मैं तुरंत समझ गया था कि ये गठबंधन बहुत असर नहीं दिखा पा रहा है, जमीन में उसका असर नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि जो इतने लंबे समय तक एक दूसरे की प्रतिद्वंदता थी तो एक दुराव था अब कार्यकर्ताओं के बीच, वो सहजता नहीं आई थी, वो चीजें नहीं आ पाई थी। और उसमें भी मुझे ताजुब लगता है कि मुलायम सिंह जी को मैंने तब भी उन्होंने इस पर सवाल उठाए थे, ये पार्टी को नुकसान होगा, वो बड़े दूरंदेशी राजनीतिज्ञ। और उसके बाद इतना मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि समाजवादी पार्टी ने बड़ी ईमानदारी से उस गठबंधन को निभाया था, बहुत मजबूती से। मैं जहां जहां गया, मुझे याद मैं फिरोजाबाद गया था, मैंने देखा जाके उन तमाम गांवों को जहां पर सपा के समर्थक थे, वो बड़े मजबूती से उन्होंने इस गठबंधन के धर्म को निभाया था। अब ये नया गठबंधन आया, इस बार समाजवादी पार्टी सतर्क है। अब इसको समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता माने न माने, अभी नहीं मानेंगे बात को, हमें बुलाइएगा जब गठबंधन हो जाए तब। तो इस बार सतर्क हैं और ये पूरी बागडोर दूसरे का, हम आधे आधे वाली बागडोर नहीं देना चाहते हैं। कारण क्या है, इनके पास प्रत्याशियों की मजबूत प्रत्याशियों की लंबी सूची है। दूसरी ओर एक नया चीज आ रही है अब कि कांग्रेस से जो दूरियां हैं उसका कारण क्या है, है क्या कि कांग्रेस भी अपने मजबूत प्रत्याशी ढूंढ रही है। उसके लिए वो बाहर से कई नेताओं को ला रही है। आपने देखा होगा कि लखीमपुर में हाँ रवि वर्मा जी आए, उनकी बेटी उनकी बेटी आई हैं
और सहारनपुर से इमरान मसूद आए, और जबकि मुझे नहीं लगता है कि समाजवादी पार्टी इसके लिए स्वीकार करेगी। क्यों? कारण क्या कि वो अभी निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी को भी और अखिलेश जी को भी और कांग्रेस को भी निशाने पे ले रहे थे, तो ये सारी चीजें थी। तो ये और वो और भी तमाम लोगों को सूची लाइन में हैं। उधर दूसरी बात और ये आप देख रहे होंगे कि कांग्रेस जो है जो दिल्ली के नेताओं, बात नहीं करता मैं तो उत्तर प्रदेश की, चूंकि चर्चा हो रही थी मैं उत्तर प्रदेश की चर्चा जो कर रहा हूं, वो कहते हैं कि साहब वो रास्ता खुला हुआ है, दरवाजे खुले हुए हैं बसपा के लिए, गठबंधन हो सकता है। इसका कारण ये है कि कांग्रेस के नेता चुनाव लड़ना चाहते हैं, बहुत दिन से उनको असफलता हाथ लग रही है, तो चाहते हैं कि ये गठबंधन मजबूत गठबंधन होगा समाजवादी पार्टी के साथ, इसमें वैतरणी पार की जा सकती है। तो बहुत लोगों की लालसा है, तो वो एक नई थ्योरी चलाते हैं कि साहब बसपा साथ वो हो जाए, और ये साहब वो कहते हैं कि साहब बसपा भी आ जाएगी इंडिया और तैयार है, जबकि बसपा मना किया करती है। तो अब देखिए आगे आगे राजनीति अभी बहुत मोड़ेगी। हम इस गठबंधन पर आप सवाल नहीं उठा सकते, गठबंधन नहीं होगा, गठबंधन होगा, लेकिन जो ये सवाल उठाए जा रहे हैं इस पर तो चर्चा हो सकती है कि ये सवाल कि साहब बसपा भी शामिल हो जाएगी, और यदि बसपा शामिल हो जाएगी तो सपा नहीं शामिल होगी, फिर आप किसको कितनी सीटें दे देंगे। तो ये सारी बात राजनीति चल रही है, और जब चुनाव आएंगे असली, मैं फिर कहता हूं कि जैसे मध्य प्रदेश में देखा, जैसे आपने देखा राजस्थान में, राजस्थान में कांग्रेस ने सिर्फ एक सीट दी है उनको, मध्य प्रदेश में एक भी सीट नहीं दी सपा को, और राजस्थान में एक सीट दी है जयंत को। तो ये जो स्थितियां हैं उससे थोड़ा ये रहता है कि जब मोल भाव होने लगता सीटों का, असली जब टेबल में बैठते हैं, सीटों की चर्चा करते हैं, तब गठबंधन की असली परीक्षा होती है, तब त्याग की असली परीक्षा होती है, तब कुर्बानी की असली परीक्षा होती है। और वैसे तो बयानों से असली परीक्षा नहीं होती, जब सीटों का एडजस्टमेंट हो जाता है तभी समझ में आता है कि ये लड़ाई कैसी और कितनी किधर जा रही है। चलिए कृष्ण मोहन पांडे जी देर से जुड़े लेकिन जुड़ गए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। कृष्ण मोहन जी, देश भर में समाजवादी पार्टी अलग अलग क्षेत्रीय दलों को लामबंद करने की कोशिश कर रही है, रणनीति पर चर्चा हो रही है, और 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे बहुत कुछ तय करेंगे कि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस की क्या भागीदारी होगी, क्या तमाम क्षेत्रीय दल उसके पीछे आएंगे, या फिर अगर परिणाम आपके पक्ष में गया तो हालात पूरी तरीके से बदल जाएंगे। निगाहें तो आपकी भी टिकी होंगी इंडिया गठबंधन के भविष्य और 3 दिसंबर के नतीजों को लेकर के। कृष्ण मोहन जी अपनी डिवाइस को अनम्यूट कर दीजिए, आपकी आवाज जी। जितने भी विधानसभा में चुनाव हो रहे हैं इन सारे राज्यों में भारतीय जनता पार्टी राज्यों में सरकार बन रही है। एक विषय स्पष्ट है कि इस चुनाव के बाद देश के मिजाज और देश में जो गठबंधन का मिजाज पर और परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी के बहुत विशेष देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है और अधिकारियों को स्वीकार कर रही है। परंतु जो गठबंधन में परिवर्तन होगा आप देखेंगे ये जो इंडिया गठबंधन नामक एक व्यवस्था खड़ी हुई आप को देखेंगे कि बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, क्योंकि ये दोनों लोग कांग्रेस के जितने क्षेत्रीय दल हैं ये सारे लोग जानते हैं कांग्रेस के जितने ये निगाह लगा के क्षेत्रीय दलों को समाप्त कर दिया जाए। कांग्रेस ने जितने क्षेत्रीय उन सारे नेताओं पर FIR करी, उनको जेल भेजा और जेल भेजने के बाद से इन पर कड़ी लगाम। अब इस बात का ध्यान है इन लोगों को कि FIR किसने कराई, कांग्रेस ने, जेल किसने भेजा, कांग्रेस। परंतु बात को कांग्रेस भी जानती है ये जनता पार्टी कराने के लिए नहीं, ये चुनाव हो रहा है जो हो रहा है ये अपने लड़ाई है, अस्तित्व की लड़ाई में ये बड़े उपाय में है कि हम अपना अस्तित्व बचाएं या कांग्रेस के साथ रहकर अपना मुकदमा खड़ा कराएं। ऐसी परिस्थिति में ये गठबंधन कहीं बेखड़ा रहने वाला नहीं है। आप देखेंगे कि आने वाले समय में
चुनाव आते आते सारे बिखरे नजर आएंगे और बिखरे जाएंगे, एक दूसरे पर इस तरह से आरोप लगाएंगे जैसे जो आज गलबैया कर रहे हैं, ये गलबैया समाप्त हो जाएगी क्योंकि देश की जनता भी इनको अस्वीकृति दे चुकी है और भारतीय जनता पार्टी की स्वीकृति को पुनः एक बार देकर देश में 2024 में यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक बार सशक्त सरकार बनने जा रही है। चलिए कृष्ण मोहन पांडे जी, तो 3 दिसंबर को डिसाइड होगा, लेकिन आज इस चर्चा को हम यही समाप्त करते हैं, विराम देते हैं। फराज किदवई साहब आपका शुक्रिया, कृष्ण मोहन जी आपका भी बहुत शुक्रिया, विजय शुक्ला जी आप भी हमारे साथ जुड़े आपका बहुत बहुत शुक्रिया, रोहित अग्रवाल और तंजीद अहमद साहब आप सभी का बहुत शुक्रिया। आज हम बात कर रहे थे समाजवादी पार्टी की तमाम राज्यों में चल रही लामबंदी की, कांग्रेस से इतर एक नए मोर्चे को खड़े करने की कवायद में जुटे हुए अखिलेश यादव, हालांकि गठबंधन की राजनीति के तमाम दुष्परिणाम भी हमको देखने को मिले और सियासत में इतिहास इस बात का गवाह रहा है कि कई बार गठबंधन करना तमाम सियासी दलों के लिए बहुत बहुत ज्यादा नुकसानदायक साबित हुआ है। चाहे 1996 में कांग्रेस और बसपा के गठबंधन की बात करें जिसने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को जड़ समेत उखाड़ करके फेंक दिया और लंबा वक्त गुजर गया, करीब करीब 3 दशक से ज्यादा का भी वक्त गुजर गया और कांग्रेस अपने आप को वापस मुख्य धारा में उत्तर प्रदेश में नहीं जोड़ पा रही है। 89 के दौर की अगर हम बात करें तो कम्युनिस्ट पार्टी जब जनता दल के साथ जब उसका गठबंधन शुरू हुआ उसके बाद से कम्युनिस्ट पार्टी का वर्चस्व उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से समाप्त हो गया। उत्तर प्रदेश में 4-5 से लेकर के 6-7 सीटें जीतने वाली कम्युनिस्ट पार्टी का आज कोई नाम लेवा नहीं बचा उत्तर प्रदेश में। हमने ये भी देखा कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ, उसमें भी एक भारी नुकसान समाजवादी पार्टी को उठाना पड़ा, नेताजी के विरोध के बावजूद ये गठबंधन को अंजाम दिया गया। ठीक उसी तरीके से जब सपा और बसपा का पिछले लोकसभा में गठबंधन हुआ उस वक्त तमाम सियासी पंडित इस बात को कह रहे थे कि ये एक अद्भुत गठबंधन, एक अद्भुत प्रयोग है, लेकिन आपने देखा कि समाजवादी पार्टी जो सबसे बड़ा दल उत्तर प्रदेश में बीजेपी के बाद था वो 5-5 पे ही सिमट गया, उल्टा उसको खामियाजा अलग भुगतना पड़ा। तो ऐसे में गठबंधन की ये नई कवायद किसके हक में जाएगी, किसको भारी पड़ेगी, 3 दिसंबर के नतीजे काफी कुछ तस्वीर साफ करेंगे, लेकिन इसके लिए भी हमको लंबा इंतजार करना होगा। आज इस चर्चा को ही विराम देते हैं, कल फिर किसी नए विषय के साथ आप सभी के सामने फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।